कल सोशल मीडिया पर शहनाज कौरगिल की कई तस्वीरें ट्रेंड करती रहीं जो कि डब्बू रत्नानी ने क्लिक की थी। सभी को बता दें, बॉलीवुड के सबसे बड़े फोटोग्राफर माने जाते हैं डब्बू रत्नानी, जिनके साथ शहनाज कौरगिल का फोटोशूट देखने को मिला था। वहीं कल जो लुक देखने को मिला शहनाज कौरगिल का, वो सबसे ज़्यादा स्पेशल था। साथ ही उनके मेकअप आर्टिस्ट थे वरदान नायक, जो कि बॉलीवुड के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट माने जाते हैं। इनकी प्रोफाइल अगर आप चेक करेंगे तो सारा अली खान, आलिया भट्ट और जानवी कपूर जैसी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का मेकअप करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपको बता दें, कल जब शहनाज कौरगिल का इतने बड़े फोटोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट के साथ शूट सामने आया तो सभी इस बात को जानने के लिए एक्साइटेड हो गए कि आखिर शहनाज कौरगिल कौन सा प्रोजेक्ट शूट कर रही हैं। तो आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबर सामने आई थी कि शहनाज कौरगिल और आसिम रियाज को सलमान खान ने अपनी फिल्म में रोल दिया है। लेकिन आसिम रियाज को जिस फिल्म में रोल मिला है वो सलमान खान की एक अलग मूवी होने वाली है, जिसका नाम कभी ईद कभी दिवाली है। वहीं शहनाज कौरगिल को जिस फिल्म में रोल दिया जा रहा है सलमान खान द्वारा, उस फिल्म का नाम है भाईजान। जी हाँ, भाईजान फिल्म को लेकर कई खबरें सामने आई हैं। वहीं एक खबर ये भी सामने आई थी कि शहनाज कौरगिल को इस मूवी में रोल दे दिया गया है। तभी तो इतने बड़े फोटोग्राफर के साथ शहनाज कौरगिल का शूट देखने को मिला है और इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट कल शहनाज कौरगिल का मेकअप करते हुए नज़र आए हैं। हालांकि खबरें ये भी हैं कि जो फोटोग्राफर हैं डब्बू रत्नानी, उनके कैलेंडर के लिए शहनाज कौरगिल का ये शूट किया गया है। हालांकि इन दोनों ही खबरों पर कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगा, हम आप तक उस अपडेट को ज़रूर पहुंचाएंगे।